नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्टर में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अपराध की दुनिया का एक ऐसा चेहरा जिसका नाम ही दहशत के लिए काफी था, जहन में सिहरन लाने के लिए उसका कोई एक काला अध्याय भी कम नहीं था। जमीन से लेकर पानी तक हर जगह अपनी धाक दिखाने में कोई कसर नहीं बाकी रहा। लेकिन अब सब कुछ शांत हो गया है, उस अपराध की किताब बंद कर दी गई है। अपराध का पर्याय था वो, खौफ का दूसरा नाम था वो, मौत का सौदागर था वो, लेकिन अब इतिहास बन गया वो। कहानी एक ऐसे आतंकी जिसने माफिया से लेकर डॉन तक, आम से लेकर खास तक हर किसी को दहशतगर्दी का नमूना दिखाया था। खाकी और खादी दोनों को ही इस आतंक के खात्मे का इंतजार था। इसका अंत भी हुआ, वो भी ऐसा जो इसने खुद भी नहीं सोचा होगा। कहते हैं ना कि बुराई की आग कभी न कभी तो बुझती ही है, और वही हुआ बाढ़ के कुख्यात रामजन्म यादव का। तारीख 4 फरवरी 2018, दिन रविवार, शाम 7 बजे। पटना से हटिया जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जैसे ही अथमलगोला स्टेशन से खुली, उसमें एक अपराधी सवार हो गया। सवार होने के बाद एक रेल यात्री को गोली मार देता है। चलती ट्रेन में गोली चलती है, लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं। दहशत के मारे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपराधी अपना काम करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। अगला स्टेशन आता है बाढ़, ट्रेन रुकती है और मृतक यात्री को बाहर निकाला गया। कोई पहचान पत्र नहीं होने से पहचान नहीं हो पा रही थी। छानबीन करने पर पता चला कि ये पंडारक थाना क्षेत्र के लेमुआबाद का कुख्यात अपराधी रामजन्म यादव है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि रामजन्म यादव पाटलिपुत्र एक्सप्रेस साधारण डब्बे में बैठा था, जिसमें घटना को अंजाम दिया गया। ये ग्रामीणों के द्वारा इनको पहचान की गई है। ये रामचंद्र यादव है और पाटलिपुत्र ट्रेन पे इन्हीं व्यक्ति के द्वारा इनके गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें जांच में जुटी है। अब बात राम जन्म के कुख्यात कारनामे की करते हैं। पंडारक थाना क्षेत्र सहित आसपास के कई थाने में इसके नाम के आतंक के कई काले अध्याय लिखे हुए हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि क्यों ये खौफ का पर्याय बन चुका था। राम जन्म पर दर्ज मामलों में 2 साल से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये शातिर पुलिस के नेटवर्क से बाहर था। इसके खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने भी इससे खुद को खतरा बताया था। जितना अपराधी है, भोला सिंह, राम जलमा, विवेका पहलवान, ये तीनों कुल के एक किया है। मारने के लिए कसम खाए हैं, रातों दिन चाहते हैं अनंत सिंह के मरवाते कैसे, कोर्ट से लेकर जेल से लेकर कोर्ट तक संग्रोह मैंने करते हैं। रामजन्म यादव का बनना अब पलट चुका है। पुलिस अपना काम कर रही है, हत्याकांड में शामिल अपराधी की तलाश में टीम बनाकर छापेमारी हो रही है और हम लोग जगह जगह इसका अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के क्रम में हम लोग घटनास्थल के पास जो गांव है वहां गए थे, फिर डियर का जो इलाका है और वो जो घाट है वहां पर भी जाके हम लोग जो है सुरागरसी किए हैं, अनुसंधान किए हैं और बहुत जल्दी जो है हम लोग अपराधियों तक जो हत्या किए हैं, संलिप्त हैं, उनको हम लोग अरेस्ट करेंगे, कांड का खुलासा होगा। अपराधी को अपराध का तमाचा तो लग गया, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया उससे कई सवाल उठते हैं। क्या किसी ट्रेन में इस तरह की कोई घटना हो जाती है उसके बाद रेल प्रशासन जवाब क्या देगा? ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके भरोसे पर है? सुनील कुमार अंशु, जी मीडिया, बाढ़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घर में घुसकर बदमाशों ने एक पत्रकार पर हमला बोल दिया। दे दनादन वार पर वार हो रहा था। इतने में शोर सुनकर पत्रकार की पत्नी अंदर से रिवॉल्वर लेकर आ गई और बदमाशों पर तान दी। रिवॉल्वर वाली रानी को देखकर बदमाशों के हौसले पस्त हो गए और उन्हें उल्टे पैर भागना पड़ा। सरे रह बदमाशों का आतंक। वो दर्दनाक 120 सेकेंड सुहाग की रक्षा के लिए पत्नी बनी रिवॉल्वर रानी।
जो कुछ भी यूपी की राजधानी लखनऊ में उन 120 सेकंड में हुआ, पहले आप उसे गौर से देख लीजिए। ये जरायम की वारदात जिसमें गुंडे माफियाओं ने पहले आबिद अली को घर से खींचकर कुल्हाड़ी, तलवार और हथौड़े डंडों से बीच सड़क पर जान से मारने को लेकर हमला कर दिया। तस्वीरों में देखिए, पहले आबिद के घर कोई आया था, उन्होंने घर के बाहर के दरवाजे का ताला खोला और घर के बाहर आ गए। अभी देखिए, दोनों में घर के बाहर बातचीत हो रही है और फिर दोनों बात करते करते सड़क पर आ गए। तभी देखिए, गली की दाई ओर से कुछ हथियारबंद गुंडे आबिद पर आते ही पिल पड़े। आबिद को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले ही आबिद पर डंडे, कुल्हाड़ी और हथौड़ों से वार हो गया। तस्वीरों में देखिए, आबिद पर 3 से 4 गुंडे किस कदर वार पर वार कर रहे हैं। घूसों से, लातों से लगातार वार पर वार हो रहा है। देखिए तभी इस शख्स को, ये शख्स ईंट से वार करता है, हाथापाई जारी है। इसी बीच देखिए, ये शख्स डंडे लेकर आबिद पर वार करते जा रहा है। तभी शोर सुनकर घर के अंदर से आबिद की पत्नी बाहर आती है और आबिद के साथ हाथापाई का ये मंजर देखकर सन्न रह जाती है। लेकिन सरे रहा, पति के साथ जुल्म हो रहा हो, आखिर किस सुहागिन का खून नहीं खोलेगा? और हुआ भी वही। देखिए तभी आबिद की बीवी ने अंदर से रिवॉल्वर निकाली और सीधे तान दी इन सभी गुंडों माफियाओं पर। तभी देखिए, गुंडों ने आबिद की बीवी के हाथ में रिवॉल्वर देखी तो सभी के होश फाकता हो गए और सब के सब आबिद को छोड़कर भाग खड़े हुए। तभी गेट की ग्रिल से आबिद की बीवी ने पहला फायर किया, उसके बाद आबिद के हाथ में रिवॉल्वर थमा दी। देखिए, बदमाशों पर आबिद ने भी पीछे से फायर किया, उसके बाद आबिद ने पुलिस को सूचना दी। 120 सेकंड में दर्ज हाथापाई और जानलेवा हमले की वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसने ये बताया कि जहां सूबे के सभी आला अधिकारी और सीएम खुद रहते हों, वहां कानून व्यवस्था का क्या हाल है। लखनऊ से एहतेशाम सिद्दीकी, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक मनचले की बेरहम पिटाई कर दी गई और पिटाई भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए मनचले पर 3-3 लठैत दे दनादन लाठियों से वार कर रहे हैं। एक बंद कोठरी में चौथा आदमी इस वीडियो को बनाता है। मनचले की पिचाई लाए, लाठियों से दे दनादन। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तस्वीरों में आप एक आदमी को पिटते हुए देख रहे होंगे। देखिए, एक छोटी सी कोठरी में कैसे 3 लोग दे दनादन इस पर लाठियों से वार कर रहे हैं। दरअसल यह वीडियो बागपत के शाहजहांपुर गांव के एक मनचले की पिटाई का है। युवक पर आरोप है कि उसने मकान में घुसकर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, वहीं युवक ने रेप करने का प्रयास भी किया। जिसके बाद महिला के चिल्लाने पर परिजन इकट्ठा हो गए और युवक की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। रात में दीवार फांद कर ये सनकी मनचला मकान में घुस गया और मकान में सो रही महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसके बाद इस मनचले की देखिए कैसे परिवार वालों ने पिटाई कर दी। देखिए, यह मनचला लगातार कराह रहा है, खुद को छोड़ देने की भीख मांग रहा है, लेकिन इसे कोई छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि इसकी हरकत ही है इतनी घिनौनी। देखिए, इसके बाद ये जमीन पर पड़ा है, कह रहा है कि उसका हाथ टूट गया है। तभी ये तीनों बोल रहे हैं कि खड़ा हो जा। हालांकि पूरे मामले की शिकायत अभी तक पुलिस से नहीं की गई है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद एडिशनल एसपी अजय कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हापुड़ में भीड़ के हत्थे चढ़े दो सुपारी किलर। उसके बाद तो भीड़ ने उनका वो हाल किया कि वो आए तो थे किसी और की जान लेने, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनकी खुद की सांसें बची हैं। भीड़ के हत्थे चढ़ गए सुपारी किलर। पेड़ से बांधकर गांव वालों ने की पिटाई। ये तस्वीरें काफी विभत्स हैं। आप साफ देख पा रहे हैं कि पेड़ के तने से दो आदमी बंधे हैं, दोनों लहूलुहान हैं, फिर भी कुछ लोग इनको लगातार बेरहमी से पीट रहे हैं। लेकिन जब आप इनकी सच्चाई जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये दोनों सुपारी किलर्स हैं जिनको 1,00,000 रुपए मिले थे किसी की हत्या के लिए। 1,00,000 रुपए किसने गई? रमेश पंडित जी कहाँ के? अच्छा, क्या कही थी? 1,00,000 रुपए। दोनों किलर आए तो थे किसी की जान लेने, लेकिन ये भीड़ के हत्थे चढ़ गए और इनकी खुद की जान सांसत में आ गई। भीड़ ने पहले तो इनको पकड़ा, फिर इनको पेड़ से बांध दिया। उसके बाद तो इनकी पिटाई ऐसे की गई कि बस सांस सांस ही बची। इसके बाद इनको ट्रॉली में लाद कर ले जाना पड़ा। मैं ला रहा हूँ, इन्होंने जो इन्होंने फायरिंग करी यहाँ 12 पर। अच्छा, मैं 12 की वोट में होगा यहाँ 12 पोल में मेरे परिवार के सब उन्होंने घेरे घेरे भागे, ये पकड़ गए हम इनको फट्टा फट्टा छीन के बांध के। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों को भीड़ से छुड़वाया और अस्पताल पहुंचाया। सपनावत गांव का मामला था। सपनावत गांव के सभाजीत सिंह हैं, उनके खेत पे जो है ये बताया गया कि उन दो बदमाशों के द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया गया है। तो इस सूचना पे जो है थाना पिलखुआ की पुलिस और हम वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर जो है गांव वालों के द्वारा दो बदमाशों को पकड़ करके बाग में रखा गया था, जिनको जो है काफ़ी उनके साथ मारपीट घायल दशा में जो है मिले, मारपीट कर रखी थी। दो बदमाश जो है पकड़ लिए गए हैं और एक तमंचा बरामद। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां दोनों सुपारी किलर का इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास नाबालिग चोर की जमकर पिटाई कर दी गई। आरोपी को बाइक की डिक्की तोड़कर पैसे चुराते रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद भीड़ तंत्र का इंसाफ देखने को मिला। जो भी आया हर किसी ने अपना दम नाबालिग चोर पर आजमा लिया। दरअसल कोसडिहरा गांव की एक महिला अपने बेटे के साथ बैंक से पैसे निकालकर बाइक से सदर अस्पताल के गेट के पास पहुंची। इसके बाद उसके बेटे ने बाइक खड़ी कर दी और अपनी मां को पास की एक दुकान पर बिठा दिया, खुद बाजार से सामान खरीदने चला गया। इतने में ही चोरी के मकसद से कुछ युवकों ने बाइक को घेर कर डिक्की तोड़ी और उसमें से रखे 45,000 रुपए चुरा लिए। इतने में महिला की नजर चोरों पर पड़ गई। गिरोह के बाकी चोर तो भाग गए, लेकिन एक नाबालिग चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। बाद में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सवाल यह है कि यह कैसा इंसाफ है? इस देश में कानून व्यवस्था काम करती है जहां हर अपराध के लिए सजा का प्रावधान है, कानून की रक्षा के लिए खाकी की तैनाती रहती है, लेकिन यहां भीड़ ने ही खुली अदालत में अपना फैसला सुनाया। हॉस्पिटल के पास भीड़ ने एक बच्चे को एक डिक्की से पैसा उड़ा रहा था, उस लोगों ने पकड़ा है, हम लोग ले गए इसे के बाद सुधार के लिए भेजा जाएगा। हाँ, बिहार सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी दहेज के दानवों में कोई खौफ नहीं। आलम तो यह है कि कटिहार में दहेज की खातिर न सिर्फ नवविवाहित बल्कि गर्भवती शकीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि शकीना का शौहर ही है। पति मोहम्मद शोएब ने महज 50,000 की खातिर शकीना की जान ले ली। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के चट्टी रोड की है। घटना उस वक्त हुई जब रतनपुर निवासी लड्डू राय पानी प्लांट पर बैठा हुआ था, तभी बाइक सवार तीन अपराधी गोली मारकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने अपराधियों का पीछा किया, इसके बाद अपराधी बाइक छोड़कर फरार हो गए। गंभीर हालत में लड्डू राय को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना के कारणों का पता नहीं चला है। हालांकि इस घटना को जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। गोली मारी गई है, उसी सूचना पर हम लोग आए थे। गोली तो मारी गई है, अब अनुसंधान करेंगे, लेकिन अभी इनके परिजनों के द्वारा भी कुछ बताया नहीं जा रहा है। लेकिन जिस किसी ने भी ये घटना किया उसको पकड़ देंगे, ये आपके सामने वादा करते हैं। बेतिया के कालीबाग ओपी क्षेत्र के उतरवारी पोखरा से एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। युवक की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई है और पुलिस ने जानकारी के बाद शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला मानकर चल रही है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। पटना में बम से खौफ पैदा करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। रणधीर वर्मा इस शख्स का नाम है। बीटेक के छात्रों से वो ठगी कर चुका है और इससे गुस्साए छात्रों ने रणधीर वर्मा को किडनैप कर लिया। हालांकि हत्या की आशंका से सहमा रणधीर वर्मा खुद पुलिस से संपर्क साधकर साथ ही पटना में 5 जगह पर बम प्लांट करने की जानकारी दी। पुलिस को जैसे ही मामले की जानकारी हाथ लगी, स्पेशल टीम का गठन कर अपहरणकर्ताओं समेत रणधीर को गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा के बहादुरपुर में युवक की हत्या के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर आगजनी भी की और हथियारों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने जबरन पूरे बाजार बंद कराया और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बाद में मौके पर डीएसपी भी पहुंचे, लेकिन लोगों ने उन्हें भी लौटने पर मजबूर कर दिया। घंटों हंगामे करने के बाद आखिरकार जब हत्या के शक में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया तो लोगों का गुस्सा शांत हुआ और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाबू साहब कॉलोनी के रहने वाले युवक रजनीश कुमार को बीती रात कुछ अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पटना सिटी में आपराधिक घटनाएं लगातार जारी हैं। ताजा मामला पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली स्थित इलाके में ब्रांडेड प्लास्टिक पाइप गोदाम का है, जहां अपराधियों ने गार्ड को पिस्तौल के बट से घायल कर दिया और उसे बंधक बनाया। कीमती सामान, पाइप और सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क समेत 60 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया और चलते बने। वहीं लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दीदारगंज थाना पुलिस मौके पर आई और पूरे मामले की अब छानबीन में पुलिस जुटी है। अगर पति पत्नी के बीच किसी दूसरे की एंट्री हो जाए तो जिंदगी की गाड़ी का पटरी से उतरना तय है। सारण में यही हुआ। 3 बच्चों के पिता को एक डांसर से प्रेम हो गया और धोखे से उसने डांसर से शादी कर ली। जब मामला बढ़ा तो एक पत्नी अदालत पहुंच गई। सारे लोग का लग रहा है काफी बीमार भी जाएगी रहते ना जी रहे। पहले तो तेरे नेता ठीक रहने आप नहीं किधर तो खराब हो बलवानी। हमरो तो बाल अच्छा बा। पति एक और पत्नियां दो, कहानी पूरी फिल्मी है। एक ने खता की और सजा मिली दो को। पहली पत्नी और 3 बच्चों के रहते पति ने डांसर से शादी कर ली। जाहिर है पहली पत्नी के साथ नाइंसाफी हुई। फिर रास्ता क्या था अदालत का दरवाजा खटखटाने के सिवा? चिंता जनता नहीं था ना कितना है। तो क्या केस के लिए बने? पहले बन केस भी दही भी है। क्या खर्चा कुछ ना ज्यादा खाली दी जाए लानी मार दें पीट दें गोलियां दें रख रहे ना दें ये मुरा के चाय ना जी रहे सारे लोग का लग रहा है काट दें मार दी जाए रख ना जी रहे दी जाए मना रहे। पूरा वाकया छपरा के बनियापुर का है। ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले त्रिभुवन की शादी इसी आशा के साथ हुई थी। 3 बच्चे भी हुए, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में काम करते करते एक डांसर से त्रिभुवन को प्यार हो गया। त्रिभुवन ने खुद को कुंवारा बताकर डांसर रानी से शादी भी कर ली। रानी एक बच्चे की मां भी बन गई।
और एक बच्चा कोख में पल रहा है। जल्द ही डांसर रानी को पता चला कि त्रिभुवन पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन अब रानी त्रिभुवन को छोड़ने को राजी नहीं। अब गुटका हमारे लड़का हो गल कल छोड़ दे, हम तो हम काहे छोड़ दे तोरे को मरत भाई, पहले देते रहने तो ठीक रहने, अब लड़की देते खराब हो गल बने, हमरो तो बाल अच्छा बा। हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह गैर कानूनी है। मामला पुलिस तक भी पहुंचा। ये मामला आकाश में आता है, उसमें एफआईआर दर्ज किया था। दूसरी की शादी करना कानूनन अपराध है, उसमें प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई। पूरे सारण में 10,000 से ज्यादा ऑर्केस्ट्रा पार्टियां मौजूद हैं। इन ऑर्केस्ट्रा पार्टियों में अक्सर इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार मामला अदालत तक जा पहुंचा है, इसलिए इंसाफ का इंतजार सबको है। राकेश कुमार, जी मीडिया, छपरा। बांका में एक मासूम की इज्जत तार तार कर दी गई। वारदात बौंसी थाना क्षेत्र की है, जहां आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची के साथ 45 साल के अधेड़ ने दुष्कर्म किया। आरोपी का नाम छोटू सोरेन बताया जा रहा है, जिसने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया और वहां घिनौने काम को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने बच्ची को रात में बेहोशी की हालत में उसके घर के पीछे छोड़ दिया और फरार हो गया। बच्ची को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे बांका सदर अस्पताल में रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस अब केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। बच्चा के अपने से वो आदमी आके पहुंचा दिया, लेके आ रहा था, घर बैठे सब बैठा। जो आदमी बच्चा लेके आ रहा था आपका, उस पर शक नहीं हुआ किसी प्रकार का? शक तो हो गया। शक हुआ तो उस आदमी को पकड़े नहीं उस टाइम? पकड़ लिए थे। घर में बैठा था ही ना, इसको कुरकुरे देके इसको लेके गया, जबरदस्ती लेके गया था बाबू? हाँ, और देखिए ऐसे मतलब चला रहा था, नहीं जा रहा था, खींच के ले गए, इसको खींच के लेके गया। कौन आदमी था बाबू, उसका नाम मालूम है आपको? नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के बढ़ानपुरा गांव में संत रविदास जयंती समारोह के दौरान माता जागरण के नाम पर अश्लील नृत्यों को परोसा गया। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत भक्ति गीत और संगीत से तो की गई, लेकिन रात गुजरने पर आयोजकों की ओर से भक्ति गीत के बदले बार बालाओं का अश्लील डांस शुरू करा दिया गया। इतना ही नहीं, इन बार बालाओं ने रात बीतने के साथ अश्लील गाने पर ठुमके लगाने शुरू कर दिए। कार्यक्रम चलता रहा, पुलिस मौके से नदारद रही। बढ़ानपुरा गांव में संत रविदास जयंती समारोह के मौके पर भगवती जागरण का आयोजन किया जाता रहा है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते भी, लेकिन प्रशासन से भक्ति संगीत के नाम पर इजाजत लेने के बाद बार बालाओं का डांस यहां परोसा गया। तो तस्वीरें जाहिर तौर पर शर्मसार करने वाली हैं। संत रविदास की जयंती के नाम पर आयोजन की इजाजत ली गई थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो शर्मिंदा करने वाला था। फिलहाल क्राइम रिपोर्टर में इतना ही, बने रहिए।